देखो, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेट करता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है आज उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई दो वैल्यू है जिसका कंपेयर हो रहा है, ठीक, उसका एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लें, डायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन का, उसका साथ में बढ़ना। जैसे हम क्लास और एजेस के बारे में, एजेस मतलब उम्र तुम्हारी, ठीक, हम जब मान लो फिफ्थ क्लास में थे तो हमारा एज क्या था, 10 साल था, ठीक। हम जब सिक्स क्लास में थे तो हमारा एज क्या हुआ, 11 हुआ, ठीक। ये पास होने वाले के लिए है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो ये उसके बाद क्या हुआ कि सेवन्थ क्लास में थे तो क्या हुआ, 12, ठीक। मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे क्लासेस बढ़ने के साथ हमारा क्या बढ़ रहा है, उम्र भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारा एज भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ घटती या बढ़ती है, ठीक, घटती या बढ़ती है, उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, ठीक। घटती या बढ़ती है, तो एक क्लास को अभी एग्जांपल जैसे ले रहो, जैसे और कुछ बात करें हम लोग, जैसे एक्स वन है, ठीक ठीक, और एक दूसरी वैल्यू है वाई वन, ठीक, और दूसरी है, एक है एक्स टू, दूसरी है वाई टू। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन होंगे, ठीक, तो एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग, जैसे अ कार रन 600 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक, जैसे हाउ फार विल इट रन ट्रैवल इन 5 आवर्स, ठीक। एक कार है एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये वन लिख लो, इसको देखा ऊपर लिख लो वन, और ये टू, वन और टू, ठीक। अब पहला कंडीशन क्या था कि कार है वो कितना किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, और वाई क्या है, यहाँ पर उसका टाइम है, ठीक। तो कितना किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर चलती है, ठीक, कितने किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर चलती है, कितने में चलती है, 3 आवर में चलती है, ठीक। तो क्या पता करना है, अब देखो, तो 5 आवर में वो कितना चलेगी, मतलब 5 घंटे में वो कितना चलेगी, ठीक। अब देखो, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है, अब जितना, अगर वो एक ही स्पीड से चल रही है, तो जितने स्पीड से वो चल रही है, तो 5 किलोमीटर में, 5 घंटे में वो और दूर चले जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वन की वैल्यू है 600, ठीक, हमको एक्स टू की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स टू लिख लो, ठीक। वाई वन की वैल्यू दी हुई है हमको 3, और ये कितना दिया हुआ है, 5, तो एक्स टू इज इक्वल टू 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो क्या कर रहा है वो, कि वो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, अभी 1000 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल और लेके देखते हैं इस क्वेश्चंस को, देखो, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर्स 430 किलोमीटर, ठीक, इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक, कितना कवर कर रहा है, 432 किलोमीटर कर रहा है। इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना लीटर पेट्रोल है इसमें, 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक, ये कैपेसिटी लिख लो, ठीक, 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक, व्हाट डिस्टेंस विल बी ट्रैवल इन 20 लीटर्स, तो 20 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो इसमें एक बात सोचो कि 48 लीटर्स में वो 432 किलोमीटर्स कवर कर रहा है, ठीक, 20 लीटर्स में कितना कवर करेगा, मतलब जितना ज़्यादा पेट्रोल उसके पास होगा वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय y2, ठीक है, x1 कितना हो गया तुम्हारा 432, x2 हमको दिया नहीं है, ठीक, y1 कितना दिया हुआ है 48, ठीक, और तुम्हारा y2 कितना दिया हुआ है 20, x2 इज इक्वल टू 432 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 48, ठीक, 5 12, ठीक, 6 2 16, ठीक, 6 1 6 3 18, 36, ठीक, x2 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। अब देखो, ठीक, अब थोड़ा कंपेयर करो, जब हमारे पास 48 लीटर्स था, ठीक, वो कितना कवर करता था, 432 किलोमीटर कवर करता था, अब उसके पास कितना हुआ, उसके पास 20 लीटर हुआ, तो उसने कितना कवर किया, 180। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमारा पेट्रोल की वैल्यू घटी, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कवर भी घट गया, ठीक, मतलब यही डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, यही डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, अगर एक डेटा बढ़ रहा है तो दूसरा डेटा भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक, यहाँ पर एक डेटा कम हुआ तो ये भी कम हो गया, अगर यहाँ एक बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ठीक, तो इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो 7.1 में से हैं, तो इसके जो क्वेश्चन टेबल नंबर 1 2 उसको कर लेना और इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।